स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एसडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों इस बार हमारी भारतीय इसरो ने प्रगति की ओर एक ऐसा बड़ा कदम उठा दिया है जिससे हमें आगे चलकर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को कई गुना तक बढ़ा पाएंगे और साथ ही इस टेक्नोलॉजी से हम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर अपनी पैनी नजर भी बना पाएंगे। और दोस्तों इस खास टेक्नोलॉजी को लेकर आप देखिएगा मात्र 10 दिनों के भीतर ही चीन और पाकिस्तान की तरफ से उल जुलूल बयान आने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने चीन के इस नए मैप को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था, सेम उसी तरीके से चीन के द्वारा इस आविष्कार पर भी दिए गए विवादित बयान को भी इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत यह खास टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में मात्र भारत और जापान ही वो देश हैं दोस्तों जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को खुद से विकसित किया है। आज की यह छोटी सी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों मेन खबर यह है कि अभी हाल ही में इसरो ने एक काफी एडवांस नेविक सिस्टम तैयार किया है और अभी पिछले महीने ही नेविक काफी चर्चा में भी आया था, क्योंकि अब भारत में आने वाले लेटेस्ट आईफोन में भी नेविक का सपोर्ट आ चुका है। और साथ ही भारत के अंदर काफी समय से कार्य कर रही Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung इन सभी कंपनियों ने भी नेविक सिस्टम का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो ये नेविक सिस्टम क्या है, तो ये दरअसल भारत के साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे हम गूगल मैप को देखते हैं। लेकिन दोस्तों यह एक स्मॉल सैटेलाइट से भी भारत के 20,000 किलोमीटर तक को कवर करेगा, जो कि गूगल मैप्स के अंदर नहीं है। और दोस्तों आपको जानकर यह काफी हैरानी होगी कि भारत में इस नेविगेशन सिस्टम को बनाने की तैयारी तब से चल रही है जब से जरूरत पड़ने पर भारत ने अमेरिका से उसका GPS सिस्टम मांगा था और अमेरिका ने भारत को साफ मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब हमारी भारतीय इसरो ने चंद्रयान 3 आदित्य 11 के बाद अपने इस मिशन में लग चुकी है और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस नेविक सिस्टम को अपग्रेड कर 3000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि हम आगे चलकर बहुत ही आसानी से चीन और पाकिस्तान की हर एक मोमेंट पर काफी बारीक नजर रख पाएंगे। और दोस्तों यह टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए काफी ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है भारतीय सीमा सुरक्षा को लेकर। और दोस्तों हम पूरी दुनिया में दूसरे ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद से अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इसरो के द्वारा डेवलप की गई इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।